नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक साल पूरा कर लिया है। वेब वार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, सरकार और संगठन की बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन अगर देखें तो सरकार और संगठन में सिर्फ या तो नरेंद्र मोदी की चर्चा होती है या अमित शाह की चर्चा होती है। जी, एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर है ये कि एनडीए की वो सरकार जिसमें केवल भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत लेके आई, वो एक साल उसने पूरा कर लिया है। और मुझे अभी ताज़ा इतिहास में किसी ऐसी सरकार का ध्यान नहीं आता जिसके एक साल के पूरे होने को लेकर इतनी अधिक चर्चा हुई हो। इतनी सारी सरकारें आईं, उनकी तो 5 साल की उपलब्धियों की और 5 साल की कमियों की इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई जितनी कि मोदी सरकार की एक साल की हुई है। ये अपने आप में बहुत, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि मीडिया दीवाना हुआ जा रहा है और मीडिया को बहुत दिलचस्पी है और मीडिया की टीआरपी का मामला है। दरअसल ये मामला ऐसा है कि हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से कभी भी इतना बड़ा सरकार के स्तर पर राजनीतिक परिवर्तन नहीं हुआ है जब बिना कांग्रेस की कोई पूर्ण बहुमत की सरकार इस तरीके से सत्ता में आई हो और एक मोदी जैसा व्यक्तित्व अकेले पूरी सत्ता को संभालकर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा हो। तो इसी से ये आपका सवाल जुड़ता है जो आपने कहा कि हमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह सत्ता की धुरी नजर आते हैं। देखिए, अगर हम पुराना जो पूरा कार्यकाल है नरेंद्र मोदी जी का उसको देखें तो उनकी कार्यशैली ही कुछ इस तरह की है। क्या ये कार्यशैली सही है या गलत है, ये एक अपने आप में अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में अधिक महत्वपूर्ण बनाया है। वो शायद इसलिए कि वो ऐसा मानते हैं कि जो वो करना चाहते हैं अगर उसको करने के लिए उनको आसपास की परिस्थितियां ठीक ना मिलें तो वो उसे नहीं अमल में ला पाएंगे। इसीलिए उन्होंने सबसे पहला काम ये किया था कि जब वो प्रचार प्रमुख बने थे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान के, तभी साथ में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की शर्त भी रखी होगी और वो मानी गई, तभी जाकर वो प्रचार अभियान में खुद को पूरी तरह झोंक पाए। वो इस शर्त पर काम नहीं करना चाहते थे कि मेहनत सारी वो करें, जिताने के लिए कवायद वो करें लेकिन उसका श्रेय कोई और ले जाए या फिर प्रधानमंत्री के रूप में आडवाणी या कोई और व्यक्ति दावेदारी के लिए सामने आ जाए। फिर जब वो प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तो सबसे पहला काम उन्होंने ये करवाया कि उन्होंने भाजपा अध्यक्ष के रूप में अमित शाह को स्थापित करवाया। आप ये देखिए कि ऐतिहासिक रूप से भी जो पार्टी का अध्यक्ष है उसके बीच में और प्रधानमंत्री के बीच में हमेशा एक कुछ न कुछ नोकझोंक या मतलब आप ये देखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते कुशाभाऊ ठाकरे जैसे अध्यक्ष भी थे जो कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर उंगली भी उठा सकते थे और उनके कार्य की समीक्षा करने के लिए जवाबदेह भी थे। लेकिन जो नरेंद्र मोदी हैं उनकी कोशिश ये होती है कि उन्हें आसपास की परिस्थितियों को संभालने पर ध्यान देने की बजाय अपने लक्ष्य को हासिल करने में अपनी ऊर्जा लगानी है और ये उनकी कार्यशैली है। इसकी अच्छाइयां भी हैं और इसकी बुराइयां भी हैं। इसकी अच्छाई ये है कि वो जो निर्णय चाहते हैं वो निर्णय लेते हैं और उस पर तेजी से आगे बढ़ते हैं और उसके बीच में उनके किसी तरह की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन उसकी खराबी यह है कि और ऐसे लोग जो सत्ता में भागीदार हैं, पार्टी में भागीदार हैं, पार्टी एक व्यक्ति से नहीं बनती है, बहुत सारे लोगों ने परिश्रम किया है भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों से 282 सीटों तक ले जाने में, उन सब लोगों की जो महत्वाकांक्षा है वो कहीं ना कहीं कुचली जाती हैं, कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन होता है, कहीं ना कहीं वो हाशिए पर खड़े नजर आते हैं। ऐसे में हमें राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज जैसे लोगों के चेहरे नजर आते हैं कि शायद उनकी जितनी मुखर भूमिका सरकार में होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई, वो शायद इसी कार्यशैली का परिणाम है। लेकिन अगर आप इसकी अच्छाई के फल देखना चाहते हैं तो उसकी बुराई के कांटों से आपको बचाया नहीं जा सकता। लेकिन इसमें टीम और टीम भावना कहीं दिखाई नहीं देती। देखिए, जैसा कि मैं कहता रहा हूं पहले भी कि मोदी एक व्यक्ति के रूप में तो बहुत सफल रहे हैं लेकिन मोदी की जो एक टीम मोदी बननी चाहिए, जो टीम मोदी की बात कभी भी सामने नहीं आ पाती। वो इसलिए नहीं आ पाती कि शायद जिस तरह का तालमेल सभी के साथ बनाकर आगे बढ़ने वाली भावना थी वो अभी तक तो फिलहाल दिखाई नहीं दी है। ये बात सही है कि विरोध के स्वर भी बहुत ज़्यादा सामने नहीं आए हैं। केवल एक पुराने नेता जो अरुण शौरी, जो फिलहाल मुख्यधारा में नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय वो मंत्री रहे हैं, उन्होंने काफ़ी सारे विनिवेश जैसे महत्वपूर्ण निर्णय एनडीए की सरकार के लिए लिए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 बार राज्यसभा में मनोनीत किए जाने के बावजूद इस वक्त हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के प्रवक्ता तक कह देते हैं कि वो हमारे नेता नहीं है। तो ये स्थिति फिलहाल है। लेकिन अरुण शौरी के अलावा अभी तक किसी ने मुखर विरोध नहीं किया है। लेकिन आप एक और देखिए कि जो पुराने भाजपा के अध्यक्ष नितिन गडकरी, वो भी इतने मजबूत कद्दावर नेता सीधे नागपुर से आने के बावजूद भी सत्ता में वो भागीदारी नहीं निभा पा रहे हैं जो उनको निभानी चाहिए।
एक तरफ ये ठीक है कि जो कप्तान होता है, जो टीम का कप्तान होता है, वो अपने तरीके से निर्णय लेता है, अपनी तरह से फील्ड प्लेसिंग करता है, किससे कब बल्लेबाजी करवानी है ये तय करता है, गेंदबाजी कब किसको, तो इसमें कोई व्यक्तिगत खिलाड़ी बड़ा होने की बजाय कप्तान और टीम बड़ी हो जाती है। लेकिन अभी फिलहाल हो ये रहा है कि कप्तान तो बड़े हो रहे हैं लेकिन टीम जितनी बड़ी होनी चाहिए उतनी बड़ी नहीं हो पा रही। मुझे लगता है कि अगर मोदी इस मोर्चे पर भी थोड़ा बेहतर काम कर लेंगे तो वो एक अधिक सफल नेता के रूप में उभर कर सामने आ पाएंगे। यदि जी, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत बहुत जोर शोर से हुई लेकिन गंदगी के ढेर आज भी दिखाई देते हैं। देखिए, बहुत सारे अहम प्रतीकों को अपनी पूरी यात्रा में मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक छुआ है। उन्होंने इन प्रतीकों को इसलिए छुआ है कि वो प्रतीक से आगे बढ़े, कहीं ना कहीं उनकी कोशिश रही होगी कि वो आगे बढ़े। लेकिन उन्होंने जितने भी नारे दिए हैं वो अपने आप में एक महाअभियान है और जमीनी स्तर पर उनमें कुछ परिवर्तन देखने के लिए हमें लंबा इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने स्वच्छता अभियान का नारा दिया है जिसका जिक्र आपने अभी किया, उन्होंने डिजिटल इंडिया का नारा भी दिया है, उन्होंने मेक इन इंडिया का, इनकी छोटी छोटी संक्षिप्त पड़ताल हम अभी करेंगे। लेकिन जहां तक स्वच्छता अभियान की बात है, देखिए दिक्कत यह है कि हमारे जो सामाजिक सरोकार हैं वो बहुत खराब हैं, हम लोगों की जो हिंदुस्तानियों की आदत है वो खराब है। अब आप उस आदत को बदलने की जब बात करते हैं तो वो झाड़ू लेकर टेलीविजन पर आने और फोटो खिंचवाने से नहीं बदल पाएंगे, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी अपने आलेखों में बहुत प्रभावी तरीके से जिक्र किया। और हम सभी करते हैं कि जब हम सिंगापुर जाते हैं तो वहाँ सड़क पर थूकने से भी बचते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में हम होते हैं तो पान की पी कैसे थूकते हैं जैसे हमारे घर का आंगन। तो हम लोगों की सबकी क्या है कि जो व्यक्तिगत स्वच्छता है भारतीयों की वो बहुत अच्छी है। हम लोग दिन में दो बार नहाएंगे, जब भी नहाएंगे तो अपने वस्त्र अंतर्वस्त्र सभी बदलेंगे। विदेशों में व्यक्ति वही नहा के वही कपड़े भी कई बार पहन लेते हैं तो वो उसके लिए, लेकिन उनकी जो सामाजिक सफाई और देखभाल है वो बहुत अच्छी है, उनकी जो सोशल हाइजीन है वो बहुत अच्छी है, पर्सनल हाइजीन उनकी अच्छी हो या ना हो, सड़कें साफ हैं, कचरा नहीं फेंकेंगे, सिविक सेंस बहुत अच्छा है, नागरिकता बोध उनका बहुत बेहतर है। हमारी व्यक्तिगत, हमारे घरों में ग्रेनाइट लगी होगी, मार्बल लगी होगी, दिन में दो बार झाड़ू पोछा होगा, लेकिन सड़क पर हम कचरा फेंकेंगे, हमारे घर के बाहर बदबू के कचरे के ढेर होंगे तो उनको साफ करने के लिए हम कोई कोशिश नहीं करेंगे। व्यक्तिगत स्तर पर दिन में हम 3-4 बार हाथ धोते होंगे, दिन में 2 बार नहाते भी होंगे, लेकिन हम सामाजिक स्तर पर अपनी सड़कों को, अपने वातावरण को साफ रखने के मामले में बहुत बुरे हैं। इसमें 2 स्तर पर गड़बड़ी है, तो व्यक्तिगत जो हमारी आदत का सवाल है, दूसरा कचरे के निपटारे की व्यवस्था हिंदुस्तान में बहुत खराब है। कचरे को एक जगह से ले जाकर दूसरे जगह पर रखना और वहां पर उसका निष्पादन करना ये एक ऐसी खराब प्रक्रिया है, इसमें इतने घालमेल हैं। किसी भी शहर में आप चले जाइए, कुछ इक्का दुक्का शहर हैं जहां पर एक मॉडल सामने आ पाया है पुणे या बेंगलोर जैसा, लेकिन उसमें भी एक सीमित दायरे तक ये काम ठीक से हो पा रहा है। या फिर किसी शहर के किसी मोहल्ला समिति ने तय कर लिया कि रोज सुबह कचरे वाला आएगा, वो सारे घरों का कचरा उठाएगा एक निश्चित जगह, तो वो मोहल्ला आपको साफ दिखाई देगा लेकिन वो शहर साफ आपको नहीं दिखाई देगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण गंभीर मसला है, इसके लिए बहुत जमीनी स्तर पर मेहनत करने की जरूरत है। व्यक्तिगत आदतों को बदलना इतना आसान नहीं है कि एक प्रधानमंत्री ने नारा दिया, कुछ फोटो खींचे, कुछ नौ नौ लोगों को जोड़ा, उसकी चेन बनी, ये हो सकता है। कहीं ना कहीं से शुरुआत तो आपको करनी होगी, लेकिन ये अपने मुकाम तक, अपनी मंजिल तक तब पहुंच पाएगा अभियान जब हम सब इसको लेकर बिल्कुल जबरदस्त तरीके से जागरूक हो जाएं, हम ये प्रण कर लें कि हम अपने सड़क के इर्द गिर्द 1 इंच जमीन पर भी कचरा पड़ा हुआ नहीं देखेंगे। यदि सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति की भी बहुत आलोचना हो रही है। जी, ये एक ऐसा कानून है जिसको लेकर लगातार विवाद बना हुआ है। देखिए, ये जो कानून है ये हमेशा से चर्चा में इसलिए रहा है कि दरअसल जो पहला भूमि अधिग्रहण कानून इस देश में अस्तित्व में रहा है वो 1894 में अंग्रेज सरकार के समय का बना हुआ है। बहुत लंबे समय तक वही कानून अस्तित्व में रहा, फिर उसको 94 में और उसके बाद लगातार बदलने की कोशिशें हुई लेकिन उसमें आमूल परिवर्तन हो नहीं पाया। फिर 2013 में कांग्रेस की सरकार ने उसमें एक बड़ा परिवर्तन, जिसमें जयराम रमेश जो उस वक्त के मंत्री थे उन्होंने बड़ी भूमिका निभाते हुए कोशिश की और उसको सदन पटल पर रखा और वो मंजूर भी हो गया। अब अचानक जब एनडीए की सरकार आई तो उन्होंने कई जो काम बहुत तेजी से किए, उसमें पहला काम तो ये किया कि उसको एक विधेयक के रूप में लाकर और उसमें कुछ उन्होंने 54 गलतियां ऐसी बताई हैं जो या तो टाइपिंग की त्रुटियां थी या इस तरह की त्रुटियां थी जिससे उसके जो भाव है वो गलत निकल रहे थे उस पूरे कानून के, तो उसमें बदलाव किए हैं। और उसके साथ ही साथ कुछ और जो कंसेंट क्लॉज, जिसको सामाजिक सहमति की बात की जा रही है कि सहमति के बिना हम जमीन नहीं लेंगे, तो उसमें कुछ जगहों पर ये भी किया गया है कि कुछ मामलों में, हालांकि सब मामलों में नहीं, कि सामाजिक सहमति की और 80% सहमति की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये कानून दरअसल विवाद में इसलिए आया है कि जो हिंदुस्तान में जिस तरीके से भूमि का अधिग्रहण हुआ है वो हमेशा से शंका में इसलिए रहा कि हजारों एकड़ जमीन, सैकड़ों एकड़ जमीन जो है उसका अधिग्रहण तो हो गया लेकिन उस पर जिस तरह के प्रोजेक्ट और जिस तरह के रोजगार की बात की गई थी वो सब हुआ नहीं है। वो जमीनें ऐसी खाली पड़ी हैं, बंजर पड़ी हैं और जिन प्रोजेक्ट्स के नाम पर वो जमीनें ली गई हैं वो अभी तक अमल में नहीं आ पाए हैं और जिस तरीके से उसको आसपास
आसपास की जनता को या किसानों को लाभ पहुंचना था वो भी नहीं पहुंचा है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पूरे हिंदुस्तान में केवल 8% प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो भूमि अधिग्रहण नहीं हो पाने की वजह से रुके हैं। इसका मतलब इसका कोई ऐसा व्यापक असर नहीं है कि हिंदुस्तान का पूरा विकास ही इस भूमि अधिग्रहण की वजह से अवरुद्ध हो गया है। दूसरी तरफ जो आपने जमीन ले ली है लेकिन उस पर परियोजनाएं नहीं लगी, उसका आप क्या कर रहे हैं, इसके लिए सफाई नहीं है। तीसरा, जैसे उसमें एक बात अभी नए वाले जो कानून में है कि जो भी आप जमीन लेंगे उसके 1 किलोमीटर इस तरफ और 1 किलोमीटर दूसरी तरफ की जमीन भी जो है वो किसी और कार्य के लिए नहीं ली जाएगी और वो उसका भी अधिग्रहण कर लिया जाएगा। तो आप देखिए कि इसमें जो बात है, जो शंका है किसानों की और विपक्षी दलों की, वो ये भी है कि जैसे यमुना एक्सप्रेसवे अगर अधिग्रहित करके बना लिया गया है तो उसके 1 किलोमीटर इधर-उधर भी खेत अगर नहीं दिखेंगे तो क्या दिखेगा, ऐसी टाउनशिप्स दिखेंगी जिसका जिक्र भी किया जा रहा है। और ऐसा नहीं हो इसके लिए सरकार क्या करेगी, इसका कोई ठोस जवाब उनके पास नहीं है। सरकार के इस तर्क को माना जा सकता है कि नहर बनाने के लिए, सिंचाई के लिए, कुछ और ओवरब्रिज बनाने के लिए, सेना के कुछ कामों के लिए, दूसरे अन्य कामों के लिए जब जमीन लेनी होती है तो कई बार कानून की पेचीदगियां आड़े आ जाती है और कई लोग कानून की पेचीदगियों का सहारा लेकर ही इस अधिग्रहण को होने नहीं देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सच ये भी है कि अधिग्रहण के नाम पर कई बार जमीनों पर बलात् कब्जा कर लिया जाता है और उससे कुछ निजी क्षेत्र के लोगों को फायदा पहुंचता है जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए ये कानून इतना ज्यादा विवादों में है। मुझे लगता है सरकार को विधेयक का रास्ता अपनाने के बजाय सदन में कानून रखकर इसके ऊपर जोरदार बहस करके, इसके पक्ष विपक्ष को ध्यान में सुनके, सबका भरोसा जीतकर फिर इसको अगर अमल में लाया जाएगा तो शायद ये विवाद कहीं थम पाएगा। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे नरेंद्र मोदी सरकार के 1 साल की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।